नॉलेज मैनेजमेंट के साइकिल में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो नॉलेज कैप्चरिंग का होता है तो जब हम नॉलेज कैप्चर कर लेते हैं तो कैप्चर के बाद उसे मैनेज करना होता है उसको ऑर्गेनाइज करना होता है उसकी कोडिफिकेशन करनी होती है क्लासिफिकेशन करनी होती है और उस नॉलेज को हमने मैनेज manage, अब मैनेजमेंट का मतलब है कि उसे हमने कहीं स्टोर भी करना होता है तो इस काम के लिए जो टेक्नोलॉजीज़ इस्तेमाल होती हैं वो हम देखते हैं इसको हम कंटेंट मैनेजमेंट टूल्स या कंटेंट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज़ कहते हैं uh, ये कन्सेप्ट क्या है ये कन्सेप्ट है मैनेजमेंट ऑफ वैल्यूएबल कंटेंट थ्रूआउट द यूजफुल लाइफ स्पैन ऑफ द कंटेंट कि ये कंटेंट का एक लाइफ स्पैन होता है ये लाइफ स्पैन का क्या मतलब है इट बिगनस विद कंटेंट क्रिएशन हैंडलिंग मल्टीपल चेंजेस एंड अपडेट्स मर्जिंग समराइजेशन एंड अदर रीपैकेजिंग एंड एंड्स विद आर्काइविंग के नॉलेज को जब हम क्रिएट करते हैं उसके बाद उसके अंदर चेंजेस या अडेप्टेशनस करते हैं और डिफरेंट फाइल्स को या फार्मेट्स को हम एक जगह मर्ज करते हैं और उसके बाद हम उसको समराइज़ या उसको रीपैकेज की कोई और शक्ल बनाते हैं डिफरेंट सोर्सेज से आए हुए नॉलेज को हम रीपेज करते हैं ताकि वो यूज़ में आसान हो जाए और उसके बाद उसको हम आर करते हैं ताकि फ्यूचर के जो यूज़र्स हैं वो उसको यूज़ कर सकें तो ये सारे जो एक प्रोसेस है इसको हम इसको हम कंटेंट का लाइफ स्पैन कहते हैं तो इस इन सारे कामों के लिए हमें सॉफ्टवेयर की या सिस्टम की ज़रूरत होती है इस काम के लिए एक बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको मेटा डाटा कहते हैं मेटा डाटा की ज़रूरत होती है नॉलेज को या डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेटा डाटा क्या है मेटा डाटा है इंफॉर्मेशन अबाउट द कंटेंट या डेटा अबाउट द डाटा तो मेटा डाटा इज यूज टू मैनेज कंटेंट मेटा डाटा में होता क्या है इट इंक्लूड्स सोर्स और ऑथर कीवर्ड्स टू डिस्क्राइब द कंटेंट डेट क्रिएटेड डेट चेंज्ड क्वालिटी बेस्ट परपजेज एनोटेशन बाई दोज होव मेड यूज़ ऑफ इट उन्होंने क्या अपने कमेंट्स दिए एंड एंड एक्सपायरी और बेस्ट बिफोर डेट वेयर एप्लीकेबल कि वो जो एक डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का ऑथर कौन है उसमें कौन से की वर्ड्स यूज़ हुए हुए हैं किस सब्जेक्ट एरिया में है उसकी क्वालिटी क्या है वो किस परपज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है डॉक्यूमेंट इस किस्म की तमाम मालूम उस डॉक्यूमेंट के बारे में मेटा डाटा के तौर पर रिकॉर्ड की जाती हैं और मेटा डाटा में कुछ और चीज़ें भी होती हैं एडिशनल एट्रीब्यूट्स सच एज द स्टोरेज मीडियम लोकेशन एंड वैदर और नॉट इट एग्जिस्ट इन आ नंबर ऑफ आल्टरनेटिव फॉर्म्स कि यही डॉक्यूमेंट क्या डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है कि नहीं डिफरेंट लैंग्वेज में है कि नहीं आर आल्सो यूजफुल टू इंक्लूड इसके अंदर इस तरह की मेटा डाटा में इस तरह की इंफॉर्मेशन भी होती है Uh, इसके बाद कंसेप्ट है एक्स एम एल का अब एक्स एम एल जो है ये एक लैंग्वेज है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इसका पूरा नाम है uh, इसका क्या रोल है इट प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू स्ट्रक्चर एंड एड रेलिवेंस टू चंक्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो चंक्स हैं जो पार्ट्स हैं उनको एक खास स्ट्रक्चर में लेके आना और रेलिवेंट एक दूसरे के साथ रेलिवेंस कायम करना देट्स वाई मैनी कंटेंट मैनेजमेंट सोलूशन और सिस्टम्स यूज़ एक्सएम इट एक्सचेंज डाटा मोर इजीली बिटवीन एप्लीकेशन जो डिफरेंट काइंडस के एप्लीकेशन हैं डिफरेंट काइंड के कंप्यूटर्स हैं डिफरेंट काइंड के सॉफ्टवेयर हैं उनके दरम्यान डाटा की जो ट्रांसफ़र है उसको आसान करने के लिए एक्सएम का यूज़ किया जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल विद योर सप्लायज कस्टमर्स पार्टनर्स उनके पास जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट होगा सॉफ्टवेयर डिफरेंट होगा तो उनके दरमियान डाटा की जो ट्रांसफ़र है एक्सएमए की लैंग्वेज उसमें भी हेल्पफुल होती है इसके बाद कन्सेप्ट है जी टेक्सानोमईज़ का तो टेक्सानोमईज़ डाटा को किस तरह से मैनेज करते हैं या नॉलेज को कैसे मैनेज करते हैं दीज आर हरार्किकल इंफॉर्मेशन ट्रीज़ फॉर क्लासीफाइंग इन्फॉर्मेशन इनका बुनियादी काम इन्फॉर्मेशन को क्लासीफाई करना है डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको कैटेगराइज़ कैसे करते हैं उसको क्लासीफाई कैसे करते हैं एक्ट लाइक योर लाइब्रेरी सब्जेक्ट कैटलॉग एक लाइब्रेरी में एक सब्जेक्ट कैटलॉग जिस तरह से काम करता है कि कौन सा जो लाइब्रेरी में मटेरियल है उसको किस सब्जेक्ट के तहत रखना है उसी किस्म का काम ये टेक्नोलॉजीज़ करती हैं और टेक्सानो में कैन हेल्प ओवरकम डिफरेंसेस ऑफ लैंग्वेज यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गनाइजेशन आप जब टेक्सानोमी कर लेते हैं इसका यूज़ कर लेते हैं और डेटा को ऑर्गनाइज़ कर लेते हैं तो फिर एक ख़ास लैंग्वेज मर्द वजूद में आ जाती है जिसके ज़रिए से आपके ऑर्गनाइजेशन के जो डिफरेंट एम्प्लॉज़ हैं डिफरेंट सेक्शंस के वो आपस में आसानी से कम्यनिकेट कर सकते हैं उस कॉमन लैंग्वेज की मदद से आटोमेटिक क्लासफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट्स इसके लिए सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं नेचुरल लैंग्वेज एनालाइजर्स अवेलेबल हैं टेक्स्ट समराइज़र्स अवेलेबल हैं हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द मीनिंग द कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड ब्लॉक्स ऑफ टेक्स्ट एंड टू टैग एंड इंडेक्स इट अप्रोप्रिएटली टू एड सब रिट्रीवल के बाद में जो रिट्रीवल करनी है उसके लिए जो टैगिंग का काम है और जो एक टेक्स्ट को अंडरस्टैंड करके उसमें से थीम निकालने का काम है ये ऑटोमेटिक जो सिस्टम हैं या जो सॉफ्टवेयर हैं वो इसको अंजाम देते हैं और ये टेक्सानोमीज बनाने के लिए इस वक्त मार्केट में बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं कि जो किसी भी नॉलेज मैनेजमेंट के सिस्टम के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं